मैं बहुत बहुत खुश हूँ गट्टू ने एक जो फिल्म बनाई है वो एक एक बेहतरीन फिल्म एंड आई रियली होप दैट दिस फिल्म डज वेल बिकॉज सच फिल्म्स शुड डू वेल. फिल्म अबाउट थ्री फ्रेंड्स, अबाउट थ्री बॉयज, और तीनों लड़के न्यू एक्टर्स बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं. सो लेट्स सी. एंड अभिषेक कपूर इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, चेतन इज़ अ ग्रेट राइटर. सो होपिंग फॉर अ वेरी ग्रिपिंग फन एक्साइटिंग फिल्म. मैंने फिल्म देखी नहीं है पर जब मैंने प्रोमो देखा तो लगा कि ये फिल्म मैं देखना चाहती हूँ. फर्स्ट टाइम यू सी अ ट्रेलर, उसी के अंदर कुछ एक यू नो आई थिंक द ऑडियंस इज डिसाइड कि देखनी है फिल्म कि नहीं देखनी है. सो आई थिंक दिस इज डेफिनेट एब्सोल्यूट यस. स्काई पहुंचे एक फिल्म बन रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक अलग विषय का फिल्म है, अलग टॉपिक है, न्यू कमर्स है. डायरेक्टर ने पहले रॉक ऑन बनाई है, कमाल की फिल्म थी और बहुत उम्मीद है. और पिक्चर की पैकेजिंग अच्छी है, लुक अच्छा है, ट्रेलर अच्छा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पिक्चर लोगों को पसंद आए. स्काई पहुंचे मुझे बहुत अच्छा लगे प्रोमोज और डेफिनेटली अभिषेक के साथ मैंने इसकी पहली दोनों फिल्में की हैं. आर्यन भी मैंने की है और रॉक ऑन भी मैंने की है और ये काई पोछे नहीं कर पाया क्योंकि मैं ABCD में था, लेकिन ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर और आई थिंक बहुत बहुत अच्छी मिली है. व्हेन आई सॉ द फर्स्ट ट्रेलर ऑफ काई पोछे आई वाज एब्सोल्युटली ब्लोन अवे. आई लव्ड अभिषेक कपूर लास्ट फिल्म, वी कॉल हिम गट्टू, इज एन ओल्ड फ्रेंड, एंड आई लव्ड हिज लास्ट फिल्म रॉक ऑन. एंड I think all the promos, all the songs, Amit Trivedi has done fabulous music for the film. It's been shot extremely well. So everything that I've seen thus far of the film looks very promising. I hope to see a good film tonight. बेहद अच्छी पिक्चर है, बड़ी प्यारी पिक्चर है, इसका फील इतना अच्छा है, इसका such a nice look to it, and there's so much of emotion. I think it's a मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पिक्चर है. बहुत ही एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से, काफ़ी बज़ है फिल्म के अराउंड, लोग बहुत ही कीन हैं फिल्म को देखने के लिए, एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग देम द फिल्म. तो मेरा ये मानना है कि सुशांत, राज और अमित तीन बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं और मैं सोचता हूँ कि इस फिल्म के बाद दे विल गेट अ चांस टू डू अ लॉट मोर ग्रेट वर्क. इन्होंने बहुत कमाल काम किया है, जो भी प्रोमोज में साफ नज़र आ रहा है कि सुशांत, अमित, राजकुमार सब तीनों ने, और फिर गट्टू की पिक्चर है, अभिषेक कपूर की पिक्चर है, उन्होंने अपनी अपनी टैलेंट, अपनी हुनर ऑलरेडी अपनी पहली फिल्म में दिखा दी थी. सच ग्रेट टाइम इन सिनेमा टुडे. ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉन्च चाहिए या कोई यू नो हैज़ टू बी द करेक्ट फिल्म एंड द बिग फिल्म. इफ यू गुड यू गेट नोटिस्ड एंड यू नो दैट्स द बेस्ट पार्ट. एंड आई थिंक टुडे वी जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट एवरीथिंग न्यू. तीनों टैलेंटेड लोग हैं और मेरे ख्याल से ओवरऑल एक फिल्म जो होती है पैकेज होती है और जो स्टोरी है, कंटेंट है, चेतन भगत की नॉवल पे बेस्ड है, तो डेफिनेटली उम्मीद बहुत ज़्यादा है. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, 5 साल मैंने इंतज़ार किया और अब मुझे फाइनली इतनी बड़ी फिल्म मिली है काई पोछे, और हम लोग ने बहुत मन लगा के बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है एंड आई जस्ट होप लोगों को पसंद आए और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इस फिल्म से कनेक्ट करेगा. लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. आई थिंक जो फर्स्ट लुक आउट हुआ था ट्रेलर से, गाने से, लोग बहुत क्रेजी हैं फिल्म को लेकर, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर लगता है, अदरवाइज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक एक्चुअली आई कांट पुट इट इनटू वर्ड्स बट इट्स एक्साइटिंग, फाइनली एवरीवन गेट्स टू सी इट. आई एम लाइक नर्वस एंड कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम. कि नर्वस इसलिए क्योंकि मेरी पहली पिक्चर है, कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी है और बहुत ही ऑनेस्ट है, तो पिक्चर अच्छी है तो सबको अच्छी लगेगी.